हेलो स्टूडेंट्स, गुड मॉर्निंग, सभी को सुप्रभात। आई होप सभी आप लोग अच्छे होंगे। तो स्टूडेंट्स, हम लोग फर्स्ट ईयर इलेक्ट्रिशियन ट्रेड या फिर वायरमैन ट्रेड या फिर इंस्ट्रूमेंट मैकेनिक ट्रेड का फर्स्ट ईयर का जो है चैप्टर्स कर रहे हैं वन बाय वन करके। और चैप्टर्स में हम लोग एमसीक्यू जो है सारे एमसीक्यू लगभग जितने भी आपके एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से इम्पॉर्टेंट है और जो भी आपके एग्जामिनेशन में आएंगे, सिर्फ उन्हीं क्वेश्चन को मैं करा रहा हूँ। तो स्टूडेंट्स, आज का जो हम लोग का टॉपिक है वो है बेसिक वायरिंग प्रैक्टिस, जिसका कि पार्ट नंबर वन होगा आज और नेक्स्ट पार्ट कल, और फिर हम लोग का ये चैप्टर कंप्लीट हो जाएगा। तो आइए हम लोग क्लास की शुरुआत करते हैं। आज का क्लास का संख्या है 46, ओके 46 नंबर क्लास है। इसके पहले जो है आप लोग को WCS का फर्स्ट ईयर का पूरा कंप्लीट मैं कंप्लीट करा चुका हूँ पूरा WCS। तो आपको वो देखने के लिए आपको मेरे प्लेलिस्ट में जाना होगा, अलग से WCS का बना हुआ है, आप उसमें जा करके प्लीज विजिट कीजिए और उन चीजों को बिल्कुल पढ़ लीजिए। आपको उससे ज्यादा और कुछ पढ़ने की जरूरत नहीं है, आप 100% अच्छे मार्क्स, बहुत अच्छे मार्क्स स्कोर कर पाइएगा। ठीक है, आइए क्वेश्चन नंबर हम लोग बात करेंगे 41। ओके, देखिए 41 नंबर क्या है, हाउ द कंड्यूट पाइप आर स्पेसिफाइड, कंड्यूट पाइप कैसे निर्दिष्ट किए जाते हैं। ठीक है, तो इसका जो क्या होगा आंसर, देखिए ऑप्शन नंबर ए की बात करें तो देखिए दिया है लंबाई मीटर में, दीवार की मोटाई मिलीमीटर में, आंतरिक व्यास मिलीमीटर में और बाह्य व्यास मिलीमीटर में। ओके, तो इसका जो राइट आंसर होगा, किसमें इसको व्यक्त किया जाता है, ऑप्शन नंबर डी। ठीक है, आउटर डायमीटर किसमें इसको व्यक्त किया जाता है, एमएम में किया जाता है, जो आपका कंड्यूट पाइप होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 42 कहता है व्हाट इज द फ्यूजिंग फैक्टर फॉर रीवायरेबल फ्यूज, पुनः तार बांधने योग्य फ्यूज के लिए फ्यूजिंग फैक्टर क्या है। तो फ्यूजिंग फैक्टर आपसे पूछा गया है। देखिए रीयूजेबल फ्यूज जो होता है, आप लोग देखे होंगे कि जो पहले, अभी तो एमसीबी आ गया है, लेकिन पहले जो है ये फ्यूज जो किटकैट जिसको कहते थे, वो निकालने और डालने वाला जो रहता था, उस सिस्टम का बोल रहा है कि फ्यूजिंग फैक्टर क्या कितना होता है वो आपसे पूछा गया। तो देखिए फ्यूजिंग फैक्टर जो होता है वो कितना होता है, 1.4। ओके 1.4। चलिए बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट हम लोग, हाँ क्वेश्चन नंबर आपका 43, व्हाट इज द पर्पस ऑफ अंडर राइटर्स नॉट फॉर पेटेंट होल्डर कनेक्शन, पेटेंट होल्डर संयोजन के लिए अंडर राइट की गांठ का उद्देश्य क्या होता है। ठीक है, ये पूछा गया। तो इसका जो आंसर होगा, देखिए आपका ये आंसर हो जाएगा कि टू रिड्यूस द स्ट्रेन फ्रॉम टर्मिनल ऑफ एक्सेसरीज, मतलब सामान के टर्मिनलों से तनाव को कम करने के लिए इसका यूज किया जाता है। ठीक है, पेटेंट होल्डर जो होता है, ठीक है, उसमें जो नॉब दिया होता है, किस लिए दिया जाता है, ताकि तनाव जो होते हैं उसको कम किया जा सके। चलिए क्वेश्चन नंबर 44 देखिए, व्हाट इज द टाइप ऑफ फ्यूज, अब फ्यूज के प्रकार कौन से है ये आपको फिगर देख करके बताना है। तो इसका आंसर क्या होगा, कैसा दिख रहा है ये देखिए, नाइफ एज कार्टेज फ्यूज, हाई रैप्चरिंग कैपेसिटी फ्यूज, या फिर आपका फेरुल संयोजक कार्टेज फ्यूज। ओके, तो इसका देखिए राइट आंसर जो होगा आपका हाई रैप्चरिंग कैपेसिटी फ्यूज। ओके, हाई रैप्चरिंग क्षमता फ्यूज इसका राइट आंसर जाएगा। अब बात करते हैं हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन जो कि आपका 45 क्या है, व्हाट इज द नेम ऑफ इलेक्ट्रिकल एक्सेसरीज, इन इलेक्ट्रिकल एक्सेसरीज का नाम आपको पूछा गया है, बताइए इसका आंसर क्या, आप लोग देखे होंगे ये। ठीक है, तो ये जो है आपका क्या है, एडिशन स्क्रू टाइप होल्डर, क्या है, एडिशन स्क्रू टाइप होल्डर। ये पहले के जमाने में, पहले के टाइम में इस तरह के होल्डर्स यूज होते थे और अभी इनका प्रचलन थोड़ा कम हो गया है। ओके, आइए क्वेश्चन नंबर 46, व्हाट इज द नेम ऑफ सिंबल यूज्ड इन वायरिंग सर्किट, वायरिंग परिपथ में प्रयुक्त प्रतीक का नाम क्या है, इसके बारे में बोला जा रहा है, एक कौन क्या चीज का प्रतीक है। ओके, तो देखिए ये जो प्रतीक बनाया गया है ये आपका प्लग एंड सॉकेट का है, किसका है, प्लग एंड सॉकेट। ओके, प्लग एंड सॉकेट मेरे ख्याल सभी लोग को पता होगा, बोर्ड में जो सॉकेट बना होता है, जो
जो जिसमें कि पिन घुसता है आपके प्लग का, वो सॉकेट हो गया, और जो 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 प्लग है वो आपका 2 पिन 3 पिन टाइप का प्लग जो होता है वही हुआ। चलिए क्वेश्चन नंबर 47 बात करेंगे हम लोग। देखिए क्या है, विच टाइप ऑफ लोड इज प्रोटेक्टेड बाय द एल सीरीज एमसीबी। अब एल सीरीज एमसीबी के द्वारा किस प्रकार का भार को सुरक्षित किया जाता है, बताइए आंसर इसका, सभी लोग जानते हैं तो इसका आंसर चल जाएगा गीजर, ठीक है, GEYSER, गीजर। ठीक, एल सीरीज एमसीबी का यूज किया जाता है लोड प्रोटेक्शन में, किस चीज के लिए, गीजर में प्रयोग किया जाता है। आ रहा है बात समझ में, आइए नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है क्वेश्चन नंबर 48। तो क्वेश्चन नंबर 48 देखिए क्या कहता है, व्हिच टाइप ऑफ स्विच इज यूज्ड इन द सर्किट। अब इस सर्किट में किस प्रकार का फ्यूज का इस्तेमाल किया गया है, ठीक है। तो देखिए यहाँ पे आपको कुछ दिख रहा होगा इस तरह से कि एक कनेक्शन स्विच का इस जगह है, एक कनेक्शन इस जगह है, ठीक है, दो दो कनेक्शन है। दैट मींस क्या है, ये टू वे स्विच, क्या है, टू वे स्विच, वेरी गुड। चलिए क्वेश्चन नंबर 49 देखिए क्या है हमारा, क्वेश्चन नंबर 49 है, व्हाट इज द इफेक्ट ऑफ लो करंट रेटेड केबल यूज्ड टू कनेक्ट हायर करंट लोड। कम धारा रेटेड केबल को उच्च धारा भार में जोड़ने का क्या प्रभाव होगा, ठीक है। यदि कोई कम रेटेड वाला केबल है, इसका की रेटिंग कम है, और उसमें आप क्या करते हैं कि उच्च धारा जिसमें भार वाला जो है उसमें आप उसको जोड़ देते हैं, जैसे कि कम रेटेड वैल्यू है उस केबल का, ठीक है, उसमें आप मान लेते हैं मात्र 5 एम्पियर केबल से करंट ड्रॉ कर सकते हैं, ये चीज गिवन है, ओके। और उस वायर को आप क्या कर रहे हैं कि हेवी करंट जहां फ्लो किया जा रहा है, मान लीजिए 10 एम्पियर करंट फ्लो किया जा रहा है, उसमें आपको जोड़ दिया तो क्या प्रभाव पड़ेगा, ये आपसे पूछा गया है। जाहिर सी बात है क्या होगा, केबल जलेगा कि नहीं जलेगा, जाहिर सी बात है केबल डैमेज ड्यू टू हीट, हीट के कारण जो है क्या होगा, गर्मी के कारण केबल खराब हो जाएगा, जल जाएगा, है ना, जाहिर सी बात है। लो लोड वाला जो जो वायर होता है आपका, जिसका कि कैपेसिटी कम होता है, और उसको आप हेवी, जैसे आप हीटर चलाइएगा, ठीक है, पतला तार है उससे आप हीटर जला रहे हैं या आयरन वाले में जोड़ दिए, तो क्या होगा, वो जल जाता है, गल जाता है तार, है ना, हीट के कारण, तो वही चीज यहाँ बोला गया था। चलिए क्वेश्चन नंबर 50 देखिए, क्वेश्चन नंबर 50 कहता है, व्हाट इज द नेम ऑफ कंड्यूट एसेसरी, ठीक है, कंड्यूट सामग्री का नाम पूछा गया, इसका बताइए इसका नाम क्या है, आप लोग देखें इसको तो बताइए सभी लोग। देखिए ये क्या है, इंस्पेक्शन बैंड, मतलब डायरेक्शन बैंड इसको कहा जाता है, ओके, क्या है ये, इंस्पेक्शन बैंड, वेरी नाइस। आइए अभी हम लोग देखेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा कौन सा है, क्वेश्चन नंबर 51, हाउ मेनी टू वे स्विचेस विथ इंटरमीडिएट स्विच आर कनेक्टेड टू कंट्रोल वन लैंप फ्रॉम 3 डिफरेंट प्लेसेस, ठीक है, बोला कितने टू वे स्विच का जरूरत पड़ेगा एक इंटरमीडिएट स्विच के साथ, ताकि एक लैंप को, एक बल्ब को 3 जगह से ऑपरेट किया जा सके, ओके, तो बताइए इसका सही उत्तर क्या जाएगा, तो इसका आंसर हो जाएगा 2 टू वे स्विच का जरूरत पड़ेगा, ठीक है, कितना जरूरत पड़ेगा, 2 टू वे स्विच का जरूरत हमको पड़ सकता। आइए क्वेश्चन नंबर हम लोग देखते हैं नेक्स्ट, जो कि है हमारा, व्हाट इज द एडवांटेज ऑफ कंसील्ड वायरिंग, कंसील्ड वायरिंग का क्या फायदा है, ये पूछा गया है, बताइए क्या कंसील्ड वायरिंग का क्या फायदा है। देखिए इसका ये फायदा है कि प्रोटेक्शन अगेंस्ट मॉइस्चर, नमी से सुरक्षा आपको मिलेगी यदि आप कंसील्ड वायरिंग का इस्तेमाल करते हैं, तो समझ में आ रही बात। आइए आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 53, जो कि है, व्हाट इज द नेम ऑफ द डायग्राम, आरेख का नाम पूछा गया है इसका, इसलिए जो पूरा डायग्राम है इसका नाम आपसे पूछा जा रहा है, तो क्या होगा आंसर, सही आंसर क्या होगा,
देखिए इंस्टॉलेशन प्लान, ये तो आपका ये प्लानिंग प्लान तो ऐसा कुछ दिख नहीं रहा है इंस्टॉलेशन करने का ना, लेआउट भी नहीं है ये, जैसे आपका वर्कशॉप है उसका कुछ लेआउट नहीं ना, वायरिंग डायग्राम है, वायरिंग डायग्राम उसको नहीं कहा, क्या कहा जाता है, सर्किट डायग्राम कहा जाता है, ठीक है, इलेक्ट्रिकल भाषा में क्या कहा जाता है, सर्किट डायग्राम, समझ में आ रही बात। क्वेश्चन नंबर अगला देखते हैं हम लोग, जो कि है व्हाट इज द फ्यूजिंग फैक्टर फॉर हाई रैप्चरिंग कैपेसिटी फ्यूजेस। एचआरसी का जो है आपसे फ्यूजिंग फैक्टर पूछा जा रहा है, एचआरसी का बताइए सभी लोग। देखिए इसका फ्यूजिंग फैक्टर जो होता है वो कितना होता है, 1.1 होता है, ऑप्शन नंबर बी चल जाएगा। कितना होता है, 1.1 फ्यूजिंग फैक्टर होता है किसका, एचआरसी का, हाई रैप्चरिंग कैपेसिटी फ्यूजेस का। नेक्स्ट क्वेश्चन 55, व्हिच टाइप ऑफ रिले कैन बी ऑपरेटेड एट बोथ एसी एंड डीसी। बहुत अच्छा क्वेश्चन है, बताइए सभी लोग किस तरह के रिले का ऑपरेशन जो है दोनों के इस्तेमाल में किया जाता है, एसी में भी इस्तेमाल किया जाता है उस रिले को और डीसी में भी इस्तेमाल किया जाता है। इसका सही आंसर जो होगा आपका होगा इम्पल्स रिले, जो इम्पल्स रिले होता है ना उसको हम लोग दोनों के पर्पस में यूज इस्तेमाल करते हैं, ठीक है। इसमें तो नहीं है, नेक्स्ट स्लाइड हम लोग देखते हैं। अगला क्वेश्चन देखिए 56, 56 कहता है कि व्हाट, ठीक है, व्हाट इज द नेम ऑफ द एक्सेसरी यूज्ड इन इलेक्ट्रिकल अप्लायंसेस। अब इसमें आपसे पूछा गया है कि इस एक्सेसरी का यूज कहां पे आप देखे हैं इलेक्ट्रिकल अप्लायंसेस, कहां आप इसका यूज करते हैं, ये आपसे पूछा गया है, ठीक, आई मीन नाम पूछा गया है आपसे इसका, ठीक है, इसका नाम क्या है, तो बताइए इसका नाम क्या है। देखिए ये जो है आपका, ये क्या है, आयरन कनेक्टर विद डायरेक्ट एंट्री, क्या है ये, आयरन कनेक्टर विद डायरेक्ट एंट्री, दैट मीन सीधे प्रवेश के साथ लौह संयोजक, सीधे प्रवेश के साथ लौह संयोजक। अगला क्वेश्चन, व्हाट इज द नेम ऑफ द एसेसरी सिंबल, ठीक है, सामग्री प्रतीक का नाम क्या है ये पूछा जा रहा है, तो बताइए इस तरह का सिंबल कहीं आप लोग देखे हैं तो क्या इसका आंसर, इसका आंसर होगा मल्टी पोजिशन स्विच सिंगल पोल, बहुस्थिति एकल ध्रुव स्विच, ओके, मल्टी पोजिशन स्विच सिंगल पोल, बहुस्थिति एकल ध्रुव स्विच इसको कहा जाता है, ठीक है, इस टाइप का वी शेप का। अगला क्वेश्चन है, व्हाट इज द पर्पस ऑफ द फ्लेक्सिबल कोर्ड इन डोमेस्टिक वायरिंग। घरेलू तारों में लचीली तारों का क्या उद्देश्य होता है, तो बताइए सभी लोग क्या यूज होता है फ्लेक्सिबल कोर्ड का डोमेस्टिक वायरिंग में, घरेलू जो वायरिंग किया जाता है उसमें फ्लेक्सिबल कोर्ड्स का यूज क्या होता है? इसका यूज क्या होता है, कनेक्शन ट्रांसपोर्टेबल अप्लायंसेस के पर्पस से इसका यूज किया जाता है, मतलब ट्रांसपोर्टेबल उपकरण कनेक्शन में इसका यूज किया जाता है, किसका, फ्लेक्सिबल कोड का, आ रही बात समझ में। क्वेश्चन नंबर 59, ओके, व्हिच टाइप ऑफ सर्किट ब्रेकर इज यूज्ड अबव 100 एम्पियर करंट रेटिंग। अब 100 एम्पियर करंट रेटिंग यदि ज्यादा है, उससे भी ज्यादा है, ठीक है, तो उसके लिए कौन सा सर्किट ब्रेकर का आप इस्तेमाल कीजिएगा। ऑप्शन देख लीजिए, है मिनिएचर सर्किट ब्रेकर जिसको कि एमसीबी हम लोग कहते हैं, उसके बाद अर्थ लीकेज सर्किट ब्रेकर ईएलसीबी, देन आपका है मोल्डेड केस सर्किट ब्रेकर एमसीसीबी, और लास्टली है रेसिडुअल करंट सर्किट ब्रेकर आरसीसीबी। ओके, तो आप इन देखिए, अब मैं आपको एक बात बता रहा हूं, ये क्वेश्चन 59 नंबर, इसका आंसर है ऑप्शन नंबर सी, ठीक है, बहुत अच्छे, कोई दिक्कत नहीं है, वोल्टेड केस सर्किट ब्रेकर, कोई दिक्कत नहीं, समझ गए आप, ठीक है, 100 एम्पीयर से ज्यादा यदि रेटिंग का है तो उसके लिए हम लोग ये सर्किट ब्रेकर का यूज करेंगे, बहुत अच्छे, कोई दिक्कत नहीं। अब आपको इस क्वेश्चन से अब दूसरा क्वेश्चन कैसा निकल के आएगा, पूछ देगा कि भाई ईएलसीबी जो है ना इसका आप फुल फॉर्म बता दीजिए। अब ऑप्शंस आपको इससे लिखे हुए मिलेंगे, अर्थ लीकेज सर्किट ब्रेकर, ठीक है, अर्थ लो सर्किट ब्रेकर, ठीक है, इस टाइप से आपको, या फिर एक्सट्रीम लीकेज सर्किट ब्रेकर,
इस टाइप से आपको ऑप्शन चारों मिलेंगे, एक ऑप्शन सही रहेगा। तो आपको करना क्या है, आप जैसे मैं ये क्वेश्चन पढ़ाया एमसीबी, एमसीबी का फुल फॉर्म क्या होता है, मैनेजर सर्विस पेपर, तो आपको ये वाला लाइन को भी याद करके रख लेना है, ठीक है। आरसीसीबी, इसको भी आपको ध्यान रखना है। अब आप कहिएगा कि अब मान लीजिए इस तरह का क्वेश्चन आ गया, ठीक है, आरसीसीबी का क्वेश्चन आ गया कि उसका फुल फॉर्म लिखने के लिए, ठीक है, एक्सपेंड करने बोल रहा है। अब आप बोलिए कि सर तो आप तो ऐसा पढ़ा ही नहीं, जबकि मैं आपको अभी बता रहा हूँ कि इस तरह के क्वेश्चंस भी दे सकता है। क्योंकि देखिए ये क्या है, आपका ये क्वेश्चन जो मैं करा रहा हूँ ये एक तरह से क्वेश्चन बैंक है, ठीक, जो कि एनएसईआईटी या निमी ये सब क्वेश्चन जो है क्वेश्चन बैंक से वो लोग ये करके रखा है, ठीक है, उन चीज को हम लोग पढ़ रहे हैं। तो अभी क्या हो रहा है कि ये क्वेश्चन तो आ ही सकते हैं, 100% आएंगे, मैं कह रहा हूँ उस बात की गारंटी भी मैं देता हूँ, लेकिन साथ ही साथ जरूरी नहीं है कि आपको 100 क्वेश्चन यदि है तो 100 क्वेश्चन में 100 का 100 क्वेश्चन इसी से सेट से, जरूरी नहीं है, 80% 90% देगा, 70-80% देगा, लेकिन 100 आउट ऑफ 100 लाने के लिए आपको इन चीजों को भी ध्यान में रखना पड़ेगा जो मैं आपको कह रहा हूँ, समझ रहे हैं बात को। चलिए समझ गए तो आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 60 देखिए। अब होड़ मचा हुआ है कि यार एनएसईआईटी जो है ले रहा है एग्जाम, तो अभी जो है निमी का क्वेश्चन नहीं आएगा, सिलेबस थोड़ी ना चेंज हुआ है, सिलेबस तो चेंज नहीं हुआ है ना, आपका सिलेबस तो वही है, निमी का क्वेश्चन बैंक में जो क्वेश्चन है क्या उस सिलेबस के अकॉर्डिंग ही तो बनाया है ना। तो क्वेश्चन एक चैप्टर में यदि 100 क्वेश्चन आप करके जा रहे हैं तो क्या एनएसईआईटी चाहे टीसीएस चाहे विप्रो कुछ भी उसी को भी दे दे तो क्या पूछेगा वो, थोड़े ना वहाँ पर रामायण का क्वेश्चन आने लगेगा, हाँ या कुरान का क्वेश्चन थोड़े आएगा उसमें, उसमें तो आपका आएगा यही जो पढ़ा रहे हैं चैप्टर इसी से आएगा, है ना। तो ये चीज सिलेबस चेंज नहीं हुआ है, बस इस बात को दिमाग में रखिए और बहकावे मत आइए, इधर उधर उधर की बातों में मत जाइए। अब YouTube में ऐसा हो गया है कि मतलब कहाँ सोर्स, किस सोर्स से कहाँ से अच्छा मतलब कि एग्जैक्ट इन्फॉर्मेशन आएगा, कुछ कहना मतलब कि बेकार ही है, आई मीन कहीं से भी एग्जैक्ट सही इन्फॉर्मेशन मिल जाए तो बहुत बड़ी बात हो जा रही है, इसलिए इधर उधर की बातों में नहीं आइए, ठीक है, थोड़ा थोड़ा करके पढ़िए। क्वेश्चन नंबर 60 देखिए क्या, व्हाट इज द पर्पस ऑफ टिन कोटिंग ऑन कॉपर फ्यूज वायर, ठीक है। तो यहाँ पे आपसे क्वेश्चन पूछा गया है कि तांबे के फ्यूज तार पर टिन कोटिंग का क्या उद्देश्य होता है, ठीक है, तो बताइए क्या उद्देश्य होता है, कोटिंग क्यों किया जाता है, इससे गैल्वेनाइजेशन, ठीक है, जिंक का कोटिंग किया जाता है आयरन के ऊपर क्यों किया जाता है, इसलिए किया जाता है ताकि ऑक्सीडेशन से बचाया जा सके, है ना, ऑक्सीडेशन। तो यहाँ पे भी क्या होगा कि कॉपर वायर जो होता है ना उसमें कोटिंग कर देने से क्या होता है कि ऑक्सीडेशन उसका जो क्षय है ना वो नहीं होता, ऑक्सीकरण उसका रुक जाता है, ऑक्सीकरण जब रुक जाता है तो क्या होता है कि वो मेटल जो है ज्यों का त्यों रहता है, नहीं तो क्या होता है वो उसका परत झड़ के गिर जाता है या रस्टिंग जिसको बोलते हैं वो होने लगता है, ठीक है, इस वजह से ऑक्सीडेशन से बचाने के लिए हम लोग क्या करते हैं कोटिंग कर देते हैं, समझ गए। तो क्वेश्चन नंबर 61 क्वेश्चन है, व्हाट इज द नेम ऑफ द फोर इंसुलेटेड कंडक्टर ग्रुप, ठीक है, चार कुचालित चालकों के समूह का क्या नाम है, तो बताइए क्या कहते हैं उसको, चार इंसुलेटेड, ठीक है, फोर इंसुलेटेड कंडक्टर ग्रुप को क्या कहते हैं, पेयर क्या होता है जोड़ा होता है, ठीक है, दो, ठीक है, उसके बाद कोर क्या होता है, कोर, कोर भी आपका दो क्रोड जो होता है वो आपका जैसे जैसे लाइक ट्रांसफार्मर है, ट्रांसफार्मर कोर, ठीक, तो अंदर का जो आपका सिलिकॉन स्टील का जो पार्ट जो बना हुआ होता है उसको हम लोग कहते हैं कोर, कहते हैं ट्रांसफार्मर का, ट्रांसफार्मर का कोर होता है, चाहे मोटर या जनरेटर का जो आर्मेचर होता है वो भी कोर उसको कहा जाता है, ठीक है, मेटल पार्ट होता है जो कि जनरली जो है आपका सिलिकॉन स्टील का बना होता है या सॉफ्ट आयरन कोर जो कहते हैं, ठीक है, अच्छा, अब चार की यहाँ बात की गई है तो चार में चार को हम लोग क्या कहते हैं, क्वाड कहते हैं, इसलिए आंसर क्या हो जाएगा इसका, क्वाड हो जाएगा, ये बात समझ क्या हो जाएगा, क्वाड हो जाएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट 62 क्या है, क्वेश्चन देखिए, हाउ मेनी टू वे स्विचेस आर रिक्वायर्ड इन गो डाउन वायरिंग सर्किट टू कंट्रोल फोर लैंप्स, देखिए चार लैंप को नियंत्रित करने के लिए गोदाम वायरिंग सर्किट में कितने दो तरह के स्विच आवश्यक,
ठीक है, चार लैंप है और गोडाउन वायरिंग करना है, तो पूछ रहा है कि टू वे स्विच का कितना जरूरत पड़ेगा, तो बताइए कितना जरूरत पड़ेगा। कितना जरूरत पड़ेगा? तीन का जरूरत पड़ेगा, तीन टू वे स्विच ले लीजिए आप, ठीक है, तो फिर आप इजीली जो है गोदाम वायरिंग कर पाइएगा चार लैंप लैंपों के लिए, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका 63 नंबर। व्हाई ट्री सिस्टम ऑफ वायरिंग मोस्ट सुटेबल फॉर मल्टी स्ट्रॉयड बिल्डिंग, बहुमंजिला इमारत के लिए तारों की ट्री प्रणाली सबसे उपयुक्त क्यों होती है, ठीक है, ये पूछा गया। इसलिए होती है क्योंकि कोई फ्यूज के साथ दोष ढूंढने में सरलता होता है। जैसे मान लीजिए कोई फ्यूज यदि यदि कुछ प्रॉब्लम आया, ठीक है, फ्यूज जुड़ा, तो उसमें जो दोष होगा, जो जो भी प्रॉब्लम है, उसको सरलता से इजिली ढूंढा जा सके, ठीक है। टू फाइंड क्या हो जाएगा, इजी इन फॉल्ट फाइंडिंग विथ मेनी फ्यूजेस, ठीक, आसानी से आप बहुत सारे फ्यूज होते हैं क्योंकि बहुमंजिला बिल्डिंग है तो वहां पे ट्री प्रणाली का इस्तेमाल किया जाता है, ठीक है, उस वायरिंग का सहूलियत लिया जाता है, ट्री वायरिंग, ट्री सिस्टम ऑफ वायरिंग का इस्तेमाल किया जाता है। उससे क्या होगा कि बहुत सारे स्विच हैं तो कौन से फ्यूज में फॉल्ट है उसको इजीली हम लोग फाइंड कर सकते हैं, इस वजह से ट्री सिस्टम का इस्तेमाल किया जाता है। क्वेश्चन नंबर 64, क्वेश्चन नंबर 64 है, व्हिच इज यूज्ड एज अ फिलर मटेरियल फॉर फिक्सिंग स्क्रू होल ऑन सीलिंग, सीलिंग में स्क्रू का छेद भरने हेतु भराव पदार्थ के रूप में किसका उपयोग किया जाता है, बताइए सभी। पेपर का क्या आता है, नायलॉन का, सीमेंट का, या फिर पीवीसी का, पॉलीविनाइल क्लोराइड, यहां से क्वेश्चन उठ जाएगा। पीवीसी का फुल फॉर्म पूछ देगा, बोलेगा सर नहीं पढ़ाया गया, जबकि यहाँ पे पीवीसी का फुल फॉर्म दिया हुआ है पॉलीविनाइल क्लोराइड, ओके, यहां से क्वेश्चन बन सकता है। इसका आंसर क्या हो जाएगा, नायलॉन, ठीक है, जो फिक्सिंग मटेरियल होता है जो कि स्क्रू होल, देखेंगे आपकी जो घरों में हैंगर वगैरह आप यदि घर में ठकवाते हैं या फिर आप वायरिंग वायरिंग आपका होता है तो उस टाइम में पहले ड्रिल किया जाता है दीवार पे, उसको एक एक स्लीव को डाला जाता है, ठीक है, तो वही जो स्लीव है उस वो ही पूछ रहा है कि वो किस मटेरियल का बना होता है, किसका बना होता है, नायलन का बना होता है, ओके। क्वेश्चन नंबर 65 देखिए, क्वेश्चन है कि व्हाट इज द सिंबल इंडिकेट्स, व्हाट इज द सिंबल इंडिकेट्स, यह प्रतीक क्या दर्शाता है, ये क्या चीज दर्शाता है, ये आपसे पूछा गया है। तो देखिए ये जो सिंबल है आपका, ये क्या चीज दर्शाता है, ये आपका सीलिंग फैन को दर्शाता है, छत का पंखा का ये सिंबल है, बहुत बच्चे को नहीं पता होगा, आप इस चीज को नोट कर लीजिए, देख लीजिए कैसा है होता है, ठीक है, ये इसका सिंबल है पंखे का, समझ में आ रही बात। नेक्स्ट क्वेश्चन 66, What is the name of the relay? इस रिले का नाम आपसे पूछा गया कि ये कौन सा रिले है, बताइए। अब देखिए ये सब क्वेश्चन, इसमें आपको आप कुछ नहीं कर सकते, आपको बस इसको ध्यान में रखना पड़ेगा, देखना होगा ये इस टाइप का रिले है, इसको ध्यान में आपको लेके चलना होगा। तो ये आपका क्या हो जाएगा, ड्राई रीड रिले है, क्या है, ड्राई रीड रिले, ओके। इम्पल्स रिले क्या था, मैं बताया था, जो कि एसी और डीसी दोनों में इस्तेमाल करते हैं, इसमें इसका आंसर क्या हो जाएगा, ड्राई रीड रिले। चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की, अगला क्वेश्चन है 67 नंबर, ओके, देखिए 67 नंबर क्या है, व्हाट इज द नेम ऑफ द डायग्राम, अब इस डायग्राम का आपसे नाम पूछा जा रहा है, बता दीजिए कौन सा डायग्राम है। तो ये क्या है, देखिए ये आपका एक तरह से क्या है, इसको क्या कहते हैं हम लोग, इंस्टॉलेशन प्लान कहते हैं, ठीक है, इंस्टॉलेशन प्लान, ओके, क्योंकि देखिए यहाँ पे बोर्ड लगेगा, ये आप जो है कंप्यूटर में इस चीजों को बनाते हैं या फिर कॉपी में इस चीजों को ड्राइंग करते हैं, ये बोर्ड का हो गया, ठीक है, ये भी एक बोर्ड है, ये आपका जो है कंड्यूट पाइप है, ठीक है, ये भी कंड्यूट पाइप है, ये जंक्शन बॉक्स है इस जगह, ठीक, ये भी जंक्शन बॉक्स है कि नहीं, ये आपका मेन सप्लाई बोर्ड है,
तो इस तरह से इन चीजों को हम एक पेपर या फिर कंप्यूटर में जब ड्रॉ करते हैं तो ये क्या बनाता है, कहलाता है इंस्टॉलेशन प्लान। पूरे बिल्डिंग का बनता है इंस्टॉलेशन प्लान, ये सब जैसे घर का नक्शा वक्शा कैसे बनता है, ठीक है, जिसको लेआउट प्लान कहते हैं, उसी तरह से इन वायरिंग्स का भी इस तरह से बनता है। ठीक है, आइए क्वेश्चन नंबर 68 नंबर क्वेश्चन, वेयर द आयरन क्लैड डबल पोल ICDP मेन स्विच इज यूज्ड। अब देखिए यहाँ पे जो मैं दिखा रहा था ना आपको, ICDP ही है ये वाला जो है ना, ये जो सिंबॉलिक सिंबल के रूप में बनाया गया ये वाला, ये वही है ICDP। ओके, तो क्वेश्चन यहाँ पे है वेयर द आयरन क्लैड डबल पोल मेन स्विच इज यूज्ड, कहाँ पे ICDP का इस्तेमाल होता है। देखिए कहाँ पे इस्तेमाल होता है, समझ लीजिए सिंगल फेज डोमेस्टिक इंस्टॉलेशन, मतलब आपके घर में जहाँ पे सिंगल फेज का जहाँ इस्तेमाल होता है, ठीक है, उस जगह में ICDP का इस्तेमाल किया जाता है। ICDP आप लोग देखे होंगे घर में जो जो मेन स्विच जो होता है, ठीक है, जहाँ के आप पावर कट कट करते हैं, ठीक है, तो वही क्या है ICDP है, स्विच कट करने से पूरा घर का सप्लाई रुक जाता है। आइए आज के सेशन का लास्ट क्वेश्चन है ये, और देखते हैं क्या है क्वेश्चन 69। Which electrical accessories belong to general classification of accessories? कौन सी विद्युत सामग्री सामानों के सामान्य वर्गीकरण से संबंधित है? तो बताइए इसका सही आंसर क्या होगा? फ्यूज, सीलिंग रोल्स, इंटरमीडिएट स्विच, पेंडेंट, लैंप होल्डर। सही उत्तर क्या जाएगा इसका? देखिए इसका सही आंसर जो होगा जाएगा सीलिंग रोल्स। ये क्या है जनरल क्लासिफिकेशन ऑफ एक्सेसरीज के अंदर अंतर्गत ये आता है, ठीक है, सीलिंग रोल्स। ओके, तो गाइस आज का जो सेशन था हम लोग का यहीं पे समाप्त होता है, और हम लोग फिर कल जो है इस पर जो है पार्ट टू करेंगे, और कल भी करीब करीब जो है 30 क्वेश्चंस करेंगे। तो इस चैप्टर से लगभग जो है 60 क्वेश्चंस आप लोग का मैं करा दूंगा, तो 70 क्वेश्चंस, ठीक है, तो इससे फिर बियॉन्ड जो है नहीं जाएगा आप लोग का कोई भी क्वेश्चन, ठीक है, चाहे यहाँ का मैं बात नहीं कर रहा हूँ, CBT एग्जाम्स तो आपके बहुत अच्छे जाएंगे, वैसे आप कंपटीशन एग्जामिनेशन लाइक जैसे कि आप RRB का जो देते हैं, ALP वाला हो, चाहे ISRO, ये सब NTPC, इन सब एग्जाम्स भी आप लोग को बहुत ज़्यादा हेल्प मिलेगा। ठीक है, तो चलिए हम लोग फिर कल एक बेहतर जोश के साथ एक नए ऊर्जा के साथ हम लोग फिर मिलते हैं, और तब तक आप लोग ये जो चैप्टर है उस चैप्टर को भी आप लोग अपना थोड़ा पढ़ उड़ के आइएगा, ताकि आप लोग को भी आंसर देने में अच्छा लगेगा। ठीक है, चलिए फिर पढ़िए आप लोग, क्योंकि एग्जाम्स भी आप लोग का। थैंक यू सो मच।